नमस्कार, मैं देवयांशी एबीपीएस न्यूज के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शामली से भाजपा विधायक तेजेंद्र नाथ नरवाल जी। नमस्कार विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार जी। विधायक जी, ये बताइए, जैसे कि महाराष्ट्र में किसान लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए सड़क पर उतर आए, तो क्या आपकी सरकार और यूपी यही चाहती है कि यहाँ के किसान भी अपनी जो उनकी स्थिति खराब है उसके लिए सड़क पर उतर, तभी आप उनकी मांगे पूरी करेंगे? उत्तर प्रदेश में अलग तरह के हालात हैं। यहाँ आप ये तो कह सकते हैं कि पहले किसानों के हालात बहुत खराब थे, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई तब से किसानों के लिए बहुत कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहली कैबिनेट बैठक में ही हमने किसानों के कर्ज माफी का 36,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। उसके बाद तभी आलू की त्वरित रूप से समस्या थी और आलू का समर्थन मूल्य पहली बार इतिहास में घोषित किया गया, तो केवल योगी सरकार की तरफ से। पहली बार गेहूं की रिकॉर्ड खरीदारी की गई 37 लाख टन। उसके बाद आपका आता है धान की भी रिकॉर्ड खरीदारी की गई। तो किसानों से संबंधित जितने भी विषय हैं, पहली बार किसानों की सब्सिडी उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जा रही है 24 घंटे के अंदर। 80,000 करोड़ रुपये सरकार ट्रांसफर कर चुकी है अभी तक। पहली बार किसानों के जो 20 साल से कनेक्शन बंद थे बिजली के, ट्यूबवेल के, वो कनेक्शन पहली बार इस सरकार ने आके खोले। 20 साल से बिना वजह ही बंद चले आ रहे थे। किसानों को लेकर जो भी समस्या है उसके बाद भी सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं। कोई भी सुझाव किसी भी जगह से आता है और हमें लगता है कि किसानों के हक में हो सकता है, तो निश्चित रूप से हम उसे करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा उसके लिए तैयार हैं। ये बताइए कि केंद्र सरकार ने जनधन योजनाएं लागू की हैं, जिसके तहत जो गरीब है उनके लिए खाते खुलवाए जा रहे हैं, परंतु अब ऐसा हो गया है बैंकों में कि अगर 5,000 से 5,000 ही हैं तभी उनके खाते अनिवार्य नहीं, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, और अगर नहीं है 5,000 तो 8% GST लगा दी जा रही है। तो क्या इसी वजह से सरकार ने गरीब लोगों के खाते खुलवाए थे? देखिए, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मुझे बता रही हैं कि इस तरह चल रहा है। मुझे योजना के बारे में जो चीज़ आपने बताई कि उस खाते बंद किए जा रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मेरा उस पर बयान देने के कोई मायने नहीं है। पहले मैं उस चीज़ की जानकारी लूंगा, तभी मैं आपको इस पर कुछ बयान दे सकता हूं। अच्छा, जैसे देखा जा रहा गाँव में शिक्षक नहीं है, इसका कारण क्या है, आप बता सकते हैं? वो पहले से कमी चली आ रही है। कुछ लोगों को जो शिक्षा मित्र थे वो अध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके लिए आदेश दे दिया, अब ऐसे शिक्षक काम नहीं कर सकते, या करेंगे तो उनका मानदेय कुछ कम हो गया। इस कारण से अब नई भर्ती हम खोल रहे हैं, और जितने शिक्षक उसमें गए हैं 68,500 की भर्ती इस वर्ष, उससे अगले वर्ष फिर 68,500 की भर्ती सरकार ला रही है। वो इसीलिए ला रहे हैं ताकि सभी विद्यालयों में जहाँ शिक्षकों की कमी हो पूरी की जा सके। तो विरासत में हमें कमी मिली है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हम उससे सुधार के लिए हमेशा तत्पर हैं, लगे हुए हैं। स्कूलों को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, बच्चों को लेकर, चूँकि देश का भविष्य है बच्चे, उनके लिए मानवीयता का व्यवहार पहली बार हो रहा है। पहली बार उनका मिड डे मील से लेकर उनके जूते, मोजे, कपड़े तक की चिंता करना, एक अन्य बच्चों की तरह समाज के उन गरीब बच्चों को भी ऐसी यूनिफॉर्म दी जा रही है जिससे वो भी लगे, बच्चे भी अपने अंदर से अच्छा महसूस कर सके, उनका परिवार भी अच्छा महसूस कर सके, और सामान्य बच्चों की तरह उन्हें देखा जाने लगा है। उसे लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। पहली बार उन्हें सर्दियों के कपड़े दिए जा रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम भी बदला जा रहा है। वरना सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम और CBSE का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग होता था, और आगे जाके वो बच्चे कंपटीशन की दौड़ में पिछड़ जाते थे। इसलिए उन बच्चों को भी आज के सब बच्चों के साथ दौड़ में वो भी बराबर के हिस्सेदार हो सकें, ऐसा अवसर उन्हें भी मिल सके, इसे लेकर सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। जी, गाँव की बात की जाए तो गाँव में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी बाल मजदूरी कर रहे हैं, जिनको जिस टाइम पर स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए उस टाइम वो बाल मजदूरी कर रहे हैं, ये क्या सही है आपके लिए? नहीं, उसे कोई भी सही नहीं कह सकता। अगर कहीं बाल मजदूरी है उसके लिए कोई भी सही नहीं कह सकता, उसके लिए गवर्नमेंट के कानून भी हैं। लेकिन बच्चों को फ्री पढ़ाई का मकसद यही है कि बच्चे मजदूरी पर ना भेजकर, वजीफे का मतलब यही है कि मजदूरी के लिए ना भेजकर उनके गरीब माँ बाप उन्हें शिक्षा के लिए भेज सकें। इसलिए मिड डे मील दिया जा रहा है, इसलिए फ्री में शिक्षा दी जा रही है, इसलिए फ्री में यूनिफॉर्म दी जा रही है। इन सब चीज़ों का मकसद यही है कि बच्चे पढ़ने के लिए आगे आ सकें। स्वास्थ्य की बात की जाए तो गांव में अभी भी डॉक्टरों की कमी है, तो इस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? कमी तो बहुत सारे विभाग में स्वास्थ्य का, आप ठीक कह रही, मुख्य हुआ है, लेकिन ये हमसे पहले ही कमी आ रही है। इस साल सरकार 4 लाख वैकेंसी लेकर आ रही है, अलग अलग विभागों में 4 लाख नौकरियां निकाली गई हैं, और वो सब जगह जहाँ जहाँ भी नौकरियों की कमी है उसे पूरी करने का प्रयास है। उसी के संदर्भ में अभी NM के लिए भी एग्जाम हुआ है, नर्सिस के लिए, डॉक्टर की भी ज़्यादा भर्ती के लिए सरकार अब प्रयासरत है, वो काम कर रही है इस पे।
विधायक जी, आप मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? लोगों तक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कह सकता हूं कि शायद एक वर्ष पहले अगर आप किसी से सवाल करते योगी जी की सरकार के आने से पहले, तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था हो जाएगी, इतने संवेदनशील और इतने पवित्र जीवन को जीने वाले मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, इतने सात्विकता से पूरी ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले कोई हमारे भाग्य में ऐसे मुख्यमंत्री लिखे होंगे। उनके कारण से जो वातावरण आज उत्तर प्रदेश का है, आप और मैं खुद भी, वो आप पे भी अप्लाई होता होगा, उससे सरकार से पहले अगर आप कहीं बाहर जाके बताते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश से, आपको बेहद हीन और बेहद घटिया दृष्टि से लोग देखते थे, और एक आम तौर से गुंडा स्टेट या भ्रष्टाचारी स्टेट के नाम पर उत्तर प्रदेश की छवि थी, जहाँ से उद्योगपति प्लान कर रहे थे, सभी लोग यहाँ से भागना चाहते थे, यहाँ तक कि यहाँ के जो निवासी है वो भी चाहते थे उनके बच्चे कहीं और जाके शिक्षा प्राप्त कर लें। आज यहाँ नकल विहीन परीक्षा दिलवा के दिखवाई, आज ऐसा वातावरण है कि उद्योगपति वापस आ रहे हैं प्रदेश में, वरना उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने का मतलब हर उद्योगपति डरता था कि कहीं किसी बड़े गैंगस्टर को ये पता न चल जाए कि मेरे पास इतना धन है और मैं लगा रहा हूँ, कभी कली चिट्ठी या फोन ना आ जाए और मुझे पैसा ना देना पड़े, इस तरह जान का जोखिम था उत्तर प्रदेश में पैसा लगाना। लेकिन आज सारे उद्योगपतियों में भरोसा है कि सब गुंडे या तो जेल में हैं या प्रदेश से बाहर हैं और या भगवान के पास हैं, इसलिए आज वातावरण इतना साफ है। और सरकार का एक ही मकसद है, सुशासन, सुरक्षा, विकास और विश्वास। जनता में विश्वास भी जगा पा रहे हैं, विकास का काम बहुत तेज गति से चल रहा है, लोगों को उम्मीद नहीं हो सकती थी एक साल में इतनी तेज गति से उत्तर प्रदेश दौड़ेगा। सुरक्षा की भावना, आज आप रात को 12 बजे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप चूंकि चैनल से हैं आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, वरना घर में शाम के 6 बजे तक अगर आदमी नहीं आता था तो घर के लोग चिंतित हो जाते, तो फोन करके लोकेशन पूछते रहते थे कहाँ तक पहुँचे कैसे नहीं। अच्छा, आपने सुरक्षा की बात करी है, तो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, अभी भी महिला सुरक्षित नहीं है, इस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? कहीं कुछ घटनाएं गिनी चुनी घटनाएं हो रही हैं, पहले जिस तरह खुलेआम एक निकलने की हिम्मत नहीं होती थी, परिवार में लोग शादी के बुलंदशहर की घटना, बहुत सारी घटनाएं से पूरे परिवार के साथ जाकर भी हम बचा नहीं पाते थे महिलाओं को, और पूरे परिवार के सामने सामूहिक बलात्कार इस तरह की घटना और सारा तंत्र उसके पीछे खड़ा हो जाता था, उस तरह की स्थिति थी। अगर कोई अधिकारी सामने आकर काम करता था उसका ट्रांसफर रातों रात कर दिया जाता था, कि कई जगह दो दो बहनों के लगातार केस आए कि दो बहनें सामूहिक रूप से बलात्कार का शिकार भी हुई और उनकी हत्या भी कर दी गई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती थी। लेकिन अब अपराधियों को पता है, सबको पता है कि ऐसा कोई करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये सब बदमाशों को और आम आदमी को खुला संदेश है। आज पहले के मुकाबले आप ये कह सकते हैं कि 100% जो रो लोटअप की सब वो थी घटनाएं, उनमें 100% का सुधार है, बाकी चीज़ें बड़े बदमाश या ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है। हाँ, कोई नई घटना हो जाती है अचानक से, तो उसके लिए भी सरकार किसी को बकसने के मूड में नहीं है, जो अपराधी है वो अपराधी है, वो न किसी पार्टी का कार्यकर्ता मान सकते हैं, न कोई उसको हम संरक्षण दे सकते, हमारे लिए हमारा कोई भी किसी तरह का किसी भी दल का कोई आदमी अगर वो अपराधी है, हम उससे अपराधी का व्यवहार करते हैं। इसलिए आज वातावरण बहुत सुरक्षित है, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि आज महिलाएं देर रात तक घूम सकती हैं, और यदा कदा ही कोई घटना कहीं सामने आती होगी, वरना कोई घटना बहुत लंबे समय से इस नहीं कि खुलेआम सड़कों पर महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार होता था ऐसा अब एक साल से नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद जी आपका। तो ये थे शामली से भाजपा विधायक तेजेंद्र नरवाल जी, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे साथ बातचीत करी। हम आपको और जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए दिव्यांशु दीजिए इजाजत, नमस्कार।